बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। 18 दोहे से आगे दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। चौपाई सुन सुत बदलंके सिर शाना, पठे से मेघ नाद बलबाना। मानस जन सुत बांध सुताही, देख्यों कपही कहा कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन उपजा सुन क्रोधा। कप देखा दारुन भटियावा, कट कटाए गर जारु धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गए गए कपि मर्दई निज अंगा। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, फिरे मेरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जा, ताहि एक छन मूर्छाई। उठ बहोर की निस बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। अब अर्थ। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जान सुन उसे क्रोध आया। हनुमान ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सब को मार कर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मार कर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटै अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म बाण कपि कहूं तेहि मारा, परत्यु बार कटक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांध से ले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जा सुना मैं जप सुनो भवानी, भवंदन काट ही नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगे कप ही बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेक कि मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया।
कपि वंदन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए, दसमुख सभा देख कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताए। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, ब्रकत ब्रकट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमह गन महु गरुण असंका। दीप्ता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं। दीन दयाल वीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कपि विलोक दशानन रामा, बेसा कहीं दुर्बाद सिय रामा। सुत बद सुरत कीन पुनि रामा, उपजा हृदय विषाद सिय रामा। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहे लंके से कवन ते कीसा, के केवल घाले वन खीसा। की दोष वन सुनहि नहि मोहि, देख्यों अति असंक सठ दोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे सठ मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, रे मूर्ख बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। जाके बल विरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल सीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिर कानन। जिनके बल से भी हे दस शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरे जो विविध देहि सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि सब समेत न प्रदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं, देने वाले हैं, जिन्होंने श्री शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रशरार वाले, बंदे सकल अतुलित बलशाले। जिन्होंने खरदूषण त्रशरा और वाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाकी बल लौलेश तरामा, जित्यो चराचर झार सिय रामा। तास दूत में जाकर रामा, हरियाणियो प्रिय नार सिय रामा। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परे लराई। समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि वचन बिहस बहरावा।
मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। जिन मुई मारा ते में मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। मुई न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया करना चाहता हूँ। विनती करहु जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तज भजहु भगत बहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराए, जो सुर असुर चरा चर खाए। तासु बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, और काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गई शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम राम रामाय नमः। जय सिया राम।